बंधे बंधे एक डोरी से। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी अपनी तिजोरी से। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। वापस आ गए, हमें पता था तुम हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे रघु। हमें पूरा भरोसा था अपने प्यार पर। देखा सबने, देखा रघु वापस आ गया है। आपको यकीन नहीं था हम पे, माँ जी बाबू जी। देखिए रघु वापस आ गया है, कुछ नहीं हुआ है उसे। देखिए रघु को। तो आ गया हमारा बच्चा। हमारी तो जान निकल गई थी। कैसा है तू? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप रो मत। बेटा, तुम्हारी जिंदगी की लकीर तुम्हारे हाथों में है। अगर तू चला जाता ना तो ज्यादा दिन जिंदा कौन ही रहती मैं। मारी तो सांस से ही उखड़ गई। ऐसी बातें मत करो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। मैं आपको अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा माँ, कभी भी नहीं। रघु बेटा, तारे को पता है तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा। मैं गलियों में छाती चौड़ी करके इसलिए कोने घूमता कि मैंने जिंदगी में कुछ कमाया, बल्कि इसलिए कि मैं रघु का बापू, रघु का बापू। लोग मारे को बाबूराम कोड़ी, रघु का बापू बोल के
तुम्हारा फखर है, तुम्हारी आत्मा है। यो बात मैंने थारे को जिंदगी में कभी इसलिए कोनी बोली कि तू सर चढ़ जा, लेकिन सच्ची बात तो ये कि मैं थारे से घना प्यार करता हूं। अगर तू ऊपर चढ़ा जाता ना तो सारे साथ मैं भी ऊपर चढ़ा जाता, उधर भी थारे को कोसता। थारे बिना कोड़ी जी सकता, कोड़ी जी सकता, कोड़ी जी सकता। मारा बेटा, मारा बेटा। आपको कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रघु भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है, कितने ठीक हो भैया। हम सब तो सचमुच बहुत डर गए थे भैया, पर यूं तो बताओ कि यूं सब हुआ कैसे? किस्मत से मिला। मैं बस स्टॉप के वॉशरूम गया था फ्रेश होने के लिए। वहीं पे पास के स्टूल पे मैं अपना पर्स, अपनी अंगूठी, सारा सामान वहीं रख दिया था। मैं अपना मुंह धो रहा था और पता नहीं कहां से कोई आया और सारा सामान लेके चला गया। शायद वो बदकिस्मत आदमी यही था। आज मैं बेबी जी के प्यार को मान गई। हम सबने उनको लाख समझाया कि थी, पर वो मानी को नहीं। उनका मन इस बात पर अड़ा रहा कि उनका पति उनको छोड़कर जा ही नहीं सकता। बेबी जी, थारे प्यार की सच्चाई के सामने सातों आसमान झुक जावेंगे। यो बात मैं मान गई हूं। आप सही कह रही हैं। प्यार से बड़ी ना ही कोई ढाल बनी और ना ही कोई तलवार। जिसके पास शिवानी जैसा प्यार करने वाला हो, भला उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? भैया, जैसे मुझे पता लगा शिवानी मैं भाग कर आ गई, मैं बहुत सहम गया था। लेकिन यहां रघु को देखकर जितनी खुशी मुझे हो रही मैं तुझे बता भी नहीं सकता। रघु, आखिर जो तुमने मुझसे वादा किया था वो तुमने निभा दिया कि तुम मेरी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। बाबूजी, मुझे लगता है कि हमें इसे हॉस्पिटल छोड़ाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं भी साथ चढ़ता हूँ। नहीं नहीं, आप यहीं रहिए घर पे, मैं जाता हूँ और मैं इन्हें ले जाऊंगा। आप लोग आइए।
रघु भैया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। पता है रघु भैया, इतनी घटिया हरकत करने के बाद हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की तेरी? एक बच्ची की जान ली है तूने? इस घर में कैसे बैठा तू है? तेरी जगह इस घर में नहीं है, उस जेल के अंदर है, समझा तू? क्यों काय कह रहे हो थे भैया? विवेक को फंसाया गया है, वो बेगुनाह है। बेगुनाह नहीं है बेला विवेक, बेगुनाह नहीं है ये। एक बच्ची की मौत का जिम्मेदार है। मैं तो न्यूज देखते ही समझ गया था मैं कि ये इसी की हरकत है। बोल विवेक, बता मुझे अब आंखें नीचे करके क्या खड़े हैं? बता, देख मेरी आंखों में, बोल, मुझसे झूठ बोल के दिखा दू, बोल। आंखों में देख मेरी और बोल कि तूने नहीं किया ये सब। बोल, बोल रहे थे। रघु, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, थारे को बेबी जी ने भड़काया होगा, क्योंकि उनको भी यही लगता है कि विवेक कसूरवार। लेकिन रघु, मारे को पूरा भरोसा है, मारा विवेक ऐसा घिनौना काम कोनी कर सकता। देखा तूने? देखा, ये है एक मां का भरोसा अपने बेटे के ऊपर। देख, देखा ना तूने? अगर आज भगवान भी आके इनसे कहता ना कि तू गलत है, तो भी इनको यकीन नहीं होगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपका भरोसा तोड़ते हुए। मैं बताता हूं सच क्या है। यह बात ऐसी है कि उस कार्टन में बहुत ही महंगी दवाइयां हैं। वो कार्टन अगर यहां से बाहर चला गया किसी तरह से, तो उस कार्टन की कीमत मार्केट में कम से कम 5 लाख रुपए है। उसमें से 2.5 लाख रुपए आप रख लेना, 2.5 लाख मैं रख लूंगा। ये मेरा भाई विवेक पैसों के लालच में दवाइयां बेचने की घटिया हरकत में ये मुझे भी शामिल करना चाहता था। अरे शर्म आती तुझे अपना भाई बोलते हुए भी मुझे। हमारे को सच बता विवेक, खा मारी कसम, और बता तूने कुछ कोड़ी किया? हमारी कसम खा के बता कि उस लड़की की मौत का जिम्मेदार तू कौन है? प्लीज झूठी कसम मीटिंग कर लो विवेक जी, झूठी कसम से कुछ नहीं होता। आपने सच बोला तो हम दोनों घर से निकाले जाएंगे। प्लीज विवेक जी। विवेक तू चुप को नहीं बैठ सकता, बता। बहुत बड़ा पाप हो गया मां मुझसे। उस मासूम बच्ची की जान
मेरी वजह से गई वहां। मुझे पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मुझे प्लीज। मैं हॉस्पिटल में असली दवाइयों की जगह नकली दवाइयां रखता था। मैंने किसी से सुना था कि नकली दवाइयों में सिर्फ ग्लूकोज और बेसन होता है। मुझे नहीं था पता कि मैं किसी की जान ले रहा हूं। रघु भैया मुझे माफ कर दो प्लीज, रघु भैया माफ कर दो। खड़े हो, तू इस लायक नहीं कि तुझे माफ किया जाए। तुझे सजा मिलेगी और मैं दिलवाऊंगा तुझे सजा। अब तू यहां इस घर में नहीं रहेगा, जेल में रहेगा सड़े या सलाखों के पीछे। तो चल चल मेरे से, चल। रघु भैया मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करूंगा। रघु भैया प्लीज, रघु भैया तू आगे के हाथ जोड़ते प्लीज, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें एक मौका दे दीजिए। हम मानते हैं इनसे गलती हुई है, इन्हें एक मौका दे दीजिए रघु भैया प्लीज। ये हमारे पति है, हम इन्हें जेल जा दो नहीं देख सकते। रघु भैया प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें, रघु भैया प्लीज छोड़ दीजिए। माफी गलती की मिलती है माया, किसी की जान लेने की नहीं, किसी का कत्ल करने की नहीं मिलती माफी। माजी माजी समझाइए ना रघु भैया को। माजी मानते विवेक जी से गलती हो गई, हम आपके आगे हाथ जोड़ दे। माजी एक बार रघु भैया को बोले ना छोड़ दीजिए, एक चांस दे दीजिए माजी प्लीज, बोले ना। विवेक जी भी तो आपके बेटे ना माजी, कैसे देख सकते हैं उनको जेल जाता हुआ। प्लीज माजी समझाइए ना रघु भैया को, रघु भैया प्लीज छोड़ दीजिए। रघु मारे को यो समझ में कोनी आ रहा कि मैं विवेक की पैरवी कैसे करूं। तू उसको सजा देके कोई गलत काम को नहीं कर रहा है रखो, लेकिन बेटा तेरे को खो देने के एहसास भर से मारा कलेजा काप चुका। अब विवेक को खो देने का सदमा मैं बर्दाश्त को नहीं कर पाऊंगी। मैं एक मां हूं रखो, और माँ को अपने बच्चों के प्रति स्वार्थी होने का पूरा अधिकार है ना। मैं विवेक की तरफ से हाथ जोड़ती हूँ थारे सामने, विवेक को सजा मिलेगी जरूर मिलेगी, लेकिन उसे घर से बाहर कोनी निकाल। देखा तूने, हाँ? ये देख कितनी ठेस पहुंचाई तूने माँ को, देख। सिर्फ माँ के कहने पर तुझे छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन तुझे माफ कभी नहीं करूंगा। और एक बात मेरी याद रखना विवेक, जो मेरे बस में होगा ना वो करूंगा उस बच्ची के माँ बाप के लिए मैं, चाहे इसका मतलब उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए तुझे सजा दिलाना क्यों ना हो। खाना तो तैयार हो गया, चम्मच तो है ही ना। चम्मच थैंक यू माँ जी, वो हम रघु को खाना देने जा रहे थे, हम उसे दे आते हैं। बेबी जी बेबी जी
मारे को था से माफी मांगनी थी। माँ जी, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेबी जी। मारे से गलती हुई है। सच्ची बात तो यो है बेबी जी, मैं घड़ी डर गई थी। विवेक को बचाने के वास्ते मैंने था को घना भला बुरा बोला है। नहीं माँ जी, मैं काय करती बेबी जी। एक माँ के लिए तो उसके बच्चे उसका सब कुछ होवे है ना। उसकी जिंदगी का निचोड़, उसकी परवरिश का फल होवे। मारे विवेक ने तो मारे सारे संस्कारों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दियो। मैं सोच भी कोनी सकती थी कि चंद पैसों के वास्ते वो इतना बड़ा कदम उठावेगा। न जाने कौन सी कमी रह गई थी मारी परवरिश में।